जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान जलदाय विभाग भर्ती का इंतजार था तो दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो चुका है। भर्ती 2019 की सबसे बड़ी जलदाय विभाग की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, टोटल इसमें नंबर ऑफ टू पोस्ट है वो 1294। ऑनलाइन फॉर्म है, वो फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन मोड पर फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, 2019 की सबसे बड़ी भर्ती आप मान सकते हो जलदाय विभाग की। दोस्तों, सारी बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले कि आपके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, साथ में आपका जो है एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में करने वाले। मैं आपको विथ प्रूफ सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी जो जलदाय विभाग की भर्ती है इसकी घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भी जल्द ही अप्लाई होने वाले दोस्तों। तो आप वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए दोस्तों, और इसका सिलेबस क्या, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, उस साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट से कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आपके लिए अपडेट करवाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि दोस्तों जैसे मैं नया वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है और साथ में विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते, तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं ये जो सारी न्यूज है दोस्तों ये राजस्थान पत्रिका में आई हुई है। जलदाय विभाग में जल्द होंगे 1294 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती। तो दोस्तों देखते हैं आगे सारी इंफॉर्मेशन। जलदाय विभाग नए साल में आईटीआई शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में। विभाग ने वर्षों से खाली चल रही तकनीकी और नॉन टेक्निकी जो 1294 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की कर दी गई है। दोस्तों जलदाय विभाग नए साल में जो आईटीआई शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में। विभाग ने वर्षों से खाली चल रहे तकनीकी कर्मचारियों के 1294 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसमें होंगे दोस्तों विद्युत कार व विद्युत जो मीटर रीडर के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय चयन बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। मतलब दोस्तों आपका जो राजस्थान सरकार है उसने इसका जो मंत्रालय राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय उसको प्रस्ताव भेज दिया, आपके जो भर्ती है वो डिक्लेयर हो चुकी है, अब जल्द इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले। आगे देखते हैं दोस्तों सारी प्रक्रिया। जबकि शेष पदों पर, जबकि इसमें जो अन्य नॉन टेक्निकल है उनके बारे में दोस्तों वैकेंसी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी है। जबकि शेष पदों पर भर्ती के लिए पुरानी योग्यता नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आपका मतलब आपको भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी करके इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत संशोधन कर रही है राजस्थान सरकार। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका नया नोटिफिकेशन आएगा मैं दोस्तों आपके सामने जल्द ही लेके आने वाला हूँ कि क्या इसका चेंज किया जाता है, क्योंकि आप कि जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले एक नया नोटिस जरूर जारी किया जाएगा। लेकिन आपकी जो भर्ती है वो कंफर्म हो चुकी है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसको प्रस्ताव भेज दिया गया कि भर्ती करवाने के लिए। आगे यहां देख सकते हो दोस्तों, जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के चलते जनता को पेयजल आपूर्ति में दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 14,778 स्वीकृत पदों में से विभिन्न कैडर में 3,454 पद खाली चल रहे हैं। दोस्तों आपकी जो टोटल वैकेंसी थी बता रहे थे स्वीकृत पद है वो 14,778 स्वीकृत पद थे इसमें, लेकिन कैडर में 3,454 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। इसमें से कैडर बरसों पुराने हैं जिनकी मौजूदा स्थितियों में कोई जरूरत नहीं है। कई जो कैडर है वो पुराने और कई कैडर है जो नए खुल गए इसके। ऐसे में विभाग 1294 पदों की भर्ती शुरू करने के साथ साथ ऐसे अनुपयोगी कैडर को समाप्त करने या फिर दूसरे कैडर में समायोजित करने की तैयारी में है। साथ ही विभाग पहली बार तकनीकी योग्यता की अनिवार्यता पर भी विचार कर रहा है। अभी तक आईटीआई के लिए अनिवार्यता नहीं की गई है, मतलब नॉन आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी जो इसका जो निर्णय है वो आने वाला है दोस्तों। इसके लिए पुराने नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी को कहना है कि इस संशोधन को वित्त, कार्मिक व विधि विभाग की हरी झंडी के बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, बेरोजगारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी है राजस्थान सरकार के द्वारा। पद जो पद है वो खत्म होंगे, मिस्त्री द्वितीय, सिविल मैकेनिकल, पंप चालक तृतीय, जो आर्टिजन द्वितीय, लाइनमैन प्रथम, कारपेंटर, इन सभी की आपकी भर्ती है। ये पद समायोजित जो मिस्त्री, आर्टिजन प्रथम, मैकेनिकल प्रथम, द्वितीय, लाइनमैन द्वितीय, कंपाउंडर द्वितीय, मैसन, इस पद पर कितनी भर्ती है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग इसमें भर्ती भी बताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंप चालक तृतीय की 164 भर्ती है, फिटर की 52 है और विद्युत कार द्वितीय की है 39 वैकेंसी है, मीटर रीडर की 69 वैकेंसी है और सहायक की 950 वैकेंसी है और लाइनमैन की 20 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये सहायक है ये नॉन टेक्निकल है और सारी टेक्निकल वैकेंसी है। इनका कहना है कि
तकनीकी कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। आईटीआई डिग्री की अनिवार्यता तय की गई है। ऐसे में कैडरवार भर्ती के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। जल्द ही भर्ती विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, जो किरण माहेश्वरी है, जल्द आयु विभाग के मंत्री है, उन्होंने खुद बताया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ताकि दोस्तों जैसे ही इसमें कोई संशोधन होगा या जैसे ही इसका जो नया नोटिस आएगा, जब से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस किया गया, सारी बातें हम करने वाले हैं दोस्तों। आगे जैसे ही इसमें कोई नोटिस आएगा या इसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा, तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही नया वीडियो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने नया वीडियो लेके आऊँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।